सो बेटा वेन एवर द क्वेश्चन कम्स लाइक प्लॉट द गिवन पॉइंट ऑन ग्राफ शीट. सो इन दैट केस इट इज एंड इट इज आस्किंग वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन और नॉट. ये क्वेश्चन भी ये लाइन भी हमेशा लिख करके आ जाती है. Verify that are they on a line or not. So in that case, suppose whatever the points will be given to you that I will give you to you later on. Before this exam में आपके पास बेटा ये locate करने के लिए लिख कर आता है, but याद रखिएगा location के लिए आपको जो graph plot करना है वो आपको खुद के through करना होता है. ठीक है, you have to make it by your own. So remember क्या क्या complete necessary conditions होती है जब हम इसका plotting करते हैं तब. ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम x बिकॉज दिस इज द पॉजिटिव साइड. यू आर नोइंग दैट नंबर लाइन हम लोग इतने शुरुआत से पढ़ते जा रहे हैं इंटीजर. तो रिमेम्बर यहाँ पॉजिटिव याद रहता है, यहाँ नेगेटिव रहता है. तो नेगेटिव यहाँ लिख दो x माइनस एंड दिस इज x प्लस. ठीक है, ऊपर हमेशा y पॉजिटिव एंड नीचे रहेगा y नेगेटिव बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट अगेन द इंटीजर. तो ऊपर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, नीचे की तरफ नेगेटिव होते हैं. ठीक है, सो दिस आई हैव टेकन नाउ इज गोइंग लिटिल टिल्टेड. दिस इज y नेगेटिव. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू दिस. दिस इज कॉल्ड ओरिजिन, दैट इज 0 0, जो अभी मैंने आपको बताया लोकेशन इसका 0 0. सो दिस इज ओरिजिन पॉइंट. नाउ मूविंग ऑन टू हियर, यहां से हमेशा शुरू करिएगा लिखना. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 5 6 7. आपकी ग्राफ कॉपी में एक एक का गैप करके आप लिखेंगे. अगर आपको गैप करना है तो -1 -2 -3 -4 -5. अगर आप चाहें तो गैप किए बिना भी लिख सकते हैं बिकॉज यू कैन सी दैट ऑन वन डिविजन जो छोटा वाला बॉक्स लेते हैं उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं. तो अगर आप चाहें तो उसको भी उस पार्ट को भी अगर आप चाहें इंक्लूड करना, अगर आपके पास बहुत सारी वैल्यू है शो करने के लिए तो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दैट ऑल्सो. तो उसके पॉइंट्स आपके 7 की जगह 14 आ जाएंगे उस केस में. ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू दिस वन पॉजिटिव साइड ऑफ y. दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 5 and this is 6. When you talk about negative side, it would be -1 -2 -3 -4 -5 and this is -6. Okay, now I have drawn the graph sheet, I can call it, or you can call it Cartesian plane also. You have drawn it in all the perfect manner. Okay, इस पे ही आपको वन नंबर मिल गया. ठीक है, इस पे ही आपको वन नंबर पहले ही मिल गया बेटा. अब आती है बारी कैसे लोकेट करेंगे आप. ठीक है, सो इफ यू टॉक अबाउट लोकेशन, सपोज द क्वेश्चन कम्स, यू हैव टू प्लॉट अ पॉइंट दैट इज ए -5 -3. सपोज दिस इज द क्वेश्चन, पॉजिटिव वाला अपने आप इंक्लूड हो जाएगा. अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखिए. इट इज रिटन हियर -5 -3. And you are knowing -5 -3, which comes on first quadrant, second quadrant, third quadrant, or fourth quadrant? Can anyone reply in the chat box, please? Third quadrant. हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि ये third quadrant में आता है. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास x की value चाहिए हमें minus में 5 और y की value चाहिए हमें minus में 3 और point का नाम है a. तो हम सबसे पहले तो सब कुछ भूल जाते हैं और हम आ जाते हैं third quadrant पे. ये है मेरा third quadrant जिस पे मुझे चाहिए x की वैल्यू -5. तो x कहां पर है बेटा, ये है मेरा x. ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, यहां पर हम प्लॉट करेंगे पॉइंट को. नाउ आई वांट -5 फ्रॉम x एक्सिस, सो दिस इज माय x एक्सिस. -5 ले लिया मैं, यहां से इसको बढ़ाऊंगी, मैंने बढ़ाया. नाउ इट इज टेलिंग आई वांट y की वैल्यू -3, तो y की वैल्यू को -3, यहां से हम -y को बढ़ाएंगे. ये बढ़ाया मैंने और जैसे ही दोनों के दोनों पॉइंट आपस में कट कर देंगे, यहाँ पे कहीं पर मिलेंगे ये दोनों. ठीक है, और जहां पर ये मिलेंगे यहीं पर मेरा पॉइंट होगा -5 -3 एंड इसका नाम हो जाएगा ए पॉइंट. सो द वैल्यू ऑफ ए वुड बी -5 -3 एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट विच एवरीवन नोज. ठीक है, सपोज आई टेल यू टू लोकेट पॉइंट बी and here I am giving you as -7. Sorry, no, don't. I am not taking minus because utna bada maine draw nahi kiya. -3 2. Please, all of you draw
माइनस थ्री कॉमा टू, सबसे पहले तो यू रिप्लाई दैट विच क्वाड्रेंट इट विल लाई, इट विल लाई ऑन विच क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, ओके, इट विल लाई ऑन सेकेंड क्वाड्रेंट. वाई? बिकॉज यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव है एंड y की वैल्यू पॉजिटिव है, और आप जानते हो कि ये चीज सेकेंड क्वाड्रेंट पे आता है, ठीक है, ये चीज सेकेंड क्वाड्रेंट में आती है. सो व्हेन यू टॉक अबाउट माइनस थ्री एंड टू, सो यू आर टॉकिंग अबाउट दिस, हम केवल इस पे इस पर बात करेंगे, ठीक है. सो दिस इज माइनस थ्री, माइनस थ्री क्या है, x एक्सिस का माइनस. तो ये x एक्सिस का माइनस मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया, पॉइंट डार्क किया. नाउ आई हैव टू मूव y2, तो y2 दिस इज द लाइन, हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर से तरफ बढ़ाएंगे और कहां तक लेके चले जाएंगे, जहां पर मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, x की वैल्यू यहाँ पर माइनस थ्री है, तो यहां से इसको बढ़ाएंगे, और जैसे ये दोनों पॉइंट आपस में कट कर देंगे, वो ही मेरा पॉइंट कहलाएगा B, पॉइंट B, और ये जरूर लिखना माइनस थ्री कॉमा टू, बिकॉज टीचर इतना टाइम नहीं लगाता है बेटा चेक करने में कि आपने सही लोकेट किया है कि नहीं किया है, मेन पॉइंट कहाँ जा रहा है सब लोगों का वो ध्यान जाता है, ठीक है. सो ये माइनस थ्री कॉमा टू, दिस इज द नेक्स्ट पॉइंट. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आपने ये अपनी कॉपी में ड्रॉ किया है तो प्लीज फटाफट से ड्रॉ करिए पॉइंट डी, और उसकी वैल्यू आएगी माइनस फाइव जीरो, माइनस फाइव जीरो. अब देखो, अब आपको समझ में आएगा कि मैम एक्स एक्सिस पे आएगा कि वाई एक्सिस पे आएगा, मैम क्यों समझा रही थी. यहाँ पर मैंने लिखा है माइनस फाइव जीरो, चलो एक काम करते हैं, इसको माइनस फाइव से पहले प्लस फाइव वाला बता देते हैं, ये थोड़ा सा इजी पड़ेगा पहले, फिर हम लोग नेगेटिव वाला बात करेंगे. नाउ फाइव कॉमा जीरो कहाँ आएगा, अभी मैंने आपको चैट बॉक्स पे पूछा भी था ये क्वेश्चन और आप लोगों ने रिप्लाई किया था करेक्ट. फाइव कॉमा जीरो वेयर इट विल लाई, एक्स एक्सिस, टेल मी, एक्स एक्सिस में, ओके चलिए ड्रॉ करिए, क्योंकि ये कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा बेटा, ये कोई भी क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट राइट साइड इज जीरो, राइट साइड इज रिटन जीरो, एंड जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव. तो अभी कहाँ लाई करेगा, अभी जस्ट मुझे बताया रिया गुप्ता ने एंड नयान खान ने. नाउ आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज प्लॉट दिस पॉइंट, लेट अस सी कितने लोग सही करते हैं. फाइव जीरो, ठीक है, फाइव जीरो. तो सबसे पहले आपको पता है फाइव जीरो मतलब y की वैल्यू बिल्कुल जीरो, और y की वैल्यू जीरो हमेशा तब होती है जब हमारे पास x एक्सिस की वैल्यू होती है केवल. तो यहाँ पर ये पॉइंट लाई करेगा x एक्सिस पे, तो आप देखो x का ये पॉजिटिव फाइव है, तो पॉजिटिव फाइव ये है x में, ये लिया आपने, और आप इधर गौर से देखो, अगर आप y जीरो के बारे में बात करो तो बेटा ये जीरो की लाइन है ना. अब जब जीरो को बढ़ाओगे, क्योंकि मुझे y जीरो चाहिए था, जब जीरो को बढ़ाओगे फाइव पे जाके रुक जाओगे, तो दिस इज फाइव जीरो पॉइंट डी, दिस इज फाइव जीरो, ठीक है, दिस इज फाइव जीरो, एंड यू कैन सी दिस इज फाइव जीरो एंड इट इज कमिंग ऑन ओनली x एक्सिस. आप चाहो तो देख सकते हो, दिस पॉइंट इज कमिंग ऑन x एक्सिस, जो मैं आपको बार बार बता रही थी ओनली बाय एग्जाम्पल, आप चाहो तो उसको डायरेक्टली लाइव देख सकते हो. इट इज रिटन हियर 5,0 एंड दिस पॉइंट इज नॉट कमिंग वेयर y एक्सिस, ना कोई क्वाड्रेंट में, किसी भी क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा है ये x एक्सिस की लाइन पर आ रहा है डायरेक्ट, ठीक है. अब अगर मैं आपसे बोलूं बेटा माइनस फाइव जीरो ड्रॉ करो, तो आपको पता है कि आप तुरंत फटाफट से मैम ये है माइनस फाइव और जीरो, और आप ये भी देख सकते हो ये कहां पर है, माइनस एक्स एक्सिस में है, वाई एक्सिस बेटा, नॉट वाई एक्सिस, इट इज एक्स एक्सिस ओनली, वो भी नेगेटिव में, चेक करो माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है ना, ये वाई की वैल्यू जीरो है, ओके. नाउ इफ आई राइट जीरो फाइव, आई राइट जीरो फाइव, तो ये है एक्स की वैल्यू जीरो, जीरो फाइव यहां आ जाएगी इस पॉइंट पे, ये दिस इज वाई एक्सिस, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो है, एंड इफ यू वॉन्ट टू लोकेट जीरो कॉमा माइनस फाइव, दिस इज जीरो कॉमा माइनस फाइव दिस पॉइंट. सो दीज आर द लोकेशन ऑफ द पॉइंट्स, हाउ कैन यू डू दिस, ओके. सो इफ यू विल सी पॉइंट क्यू, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर थ्री में, सो वो एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू दी हुई है सिक्स, और y एक्सिस पे उसकी वैल्यू दी हुई है 1, सो इसलिए उसका लोकेशन होगा Q 6,1.
Now tell me R. Tell me R. Ayushi has given me R point. Very good. It's 6 from x axis and y axis se diya hua hai 5. So it would be R 6, 5. Correct. Aap S ki value bataiye. Fatafat S ki value bataiye. Sambhavi, you'll use capital R beta. Jo naam diya hai, wahi naam use karenge hum. Sambhavi, you cannot change small r beta. It should be capital R. Okay, very good. Now students have given me S. It's 4, 7. It's 4, 7. S value is 4, 7. So coordinates of S point will be 4, 7. Correct. Now tell me P. Last one. P. Very good. P. Bracket. Yashashwini, bracket. P will be 4 from x axis and 3 from y axis. Yes, Kushagra. Very correct. It's 4, 3. Inside the bracket, 4, 3. Darshit correct. Atharva Agrawal correct, beta. Chalo, ye bhi ho gaya. Ab aap mujhe bataiye point of coordinates of point M. Coordinates of point M. Please listen to me carefully. I'm talking about M point. M. M for monkey. Very good. Correct. It's 10, 8. It's 10, 8. Correct. Because x axis pe value di hui hai 10, y axis pe value di hui hai 8. Isliye iska answer hoga 10, 8. Ab now listen my question of true and false. Please listen very carefully and then answer me. It is telling a point whose x coordinate is 0, whose x coordinate is 0 and y coordinate is non-zero. Non-zero matlab koi bhi value. Theek hai? Will lie on y axis. It is true or false? Ye maine aapko samjhaya hai isko. Very good. It's true. It's very true because agar x ka coordinate 0 hai, matlab wo x axis pe nahi hai, wo y axis pe hai. Theek hai? Now next question. A point whose y coordinate is 0 and x coordinate is 5 will lie on y axis. Correct or not? Matlab true or false? Yahan par y coordinate ko 0 kar diya hai beta. To ye y axis pe kabhi lie nahi karega. It will lie on x axis. Theek hai? Ab now the last is the coordinate of origin are 0, 0. True or false? The coordinate of origin is 0, 0. Beta, ye question ekdam random question hai. Hamesha exam mein aate hain jo maine abhi just puchhe aapse. Theek hai? Some or the other form they will come, but they always used to come this kind of question. Chalo. Now we have completed exercise 2 successfully. Now moving on to exercise 15.3 जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे और कल खत्म भी कर देंगे. It's not so longer. So please be ready with exercise 3. Second is already completed, beta. Second is already